बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन, तालीम की तड़का के प्लेटफॉर्म से। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड इलेक्शन ऑफिसर की क्लास 4 कर रहे हैं। आज का पहला सवाल है, अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर मार्क लोकॉक ब्रीफली टू द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन सीरिया 20 January 2021। फिर रूल द रूट्स, रूट मीन्स ये फ्रेज है, इसके मतलब है बी इन कंप्लीट कंट्रोल। यूज है इसका, इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी मैन रूल द रूट एंड वुमेन हैव अ लो स्टेटस एंड फ्यू राइट्स। उसके बाद है जे हॉन, ये फॉरेन मिनिस्टर अजरबैजान के हैं। इन्होंने 2 दिन का विज़िट किया है पाकिस्तान में, 13 से 14 January 2021 को। दिस विल बी द फर्स्ट बायलैटरल विजिट फ्रॉम अजरबैजान एट फॉरेन मिनिस्टर लेवल सिंस 2010। ये पहला विजिट है 2010 के बाद से अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर का बायलैटरल। इसके बाद है नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन एथनिक एंड टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्मानिया एंड अजरबैजान ओवर द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ नगोर्नो काराबाख। ये बात है टेड्रस वाज इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑन 23 May 2007, became the first general director general who is not a medical doctor with an overwhelming 133 vote out of 185. Paradox, a person, thing or situation that have two opposite features and therefore seems strange. The Big Bash League, often abbreviated to BBL or Big Bash, is an Australian professional franchise 2020 cricket league, which was established in 2021 by Cricket Australia. उसके बाद है बेगम ज़रीन मुशर्रफ, mother of former president and the chief of All Pakistan Muslim League General Parvez Musharraf passed away in Dubai, UAE on Friday. After a long illness, she was 100 years. Pray, Roza and fasting beside spiritual worship in a physical worship. How many Ashras are in Ramadan? 3. First Ashra indicate mercy of Allah. So it is comprehend as Rahmat. पहले अशरे को क्या कहते हैं? रहमत। इंग्लिश में कहते हैं मर्सी ऑफ अल्लाह। सेकेंड स्टेज या सेकेंड अशरा एक्स हैबिट फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह, और इसको अरबी में क्या कहते हैं? मकफरा या मकफरत कहते हैं इसको, दूसरे अशरे को। अब इलेक्शन कमीशन तकरीबन ये 7 March 2021 को इसकी टेस्ट की डेट आ गई है, तो रमज़ान से भी कुछ रिलेटेड हो जाएंगे इसके सवाल, क्योंकि रमज़ान अप्रैल तक शायद है मेरे ख्याल से, मिड अप्रैल। फिर थर्ड स्टेज अशराफ रमज़ान शो प्रोटेक्शन फ्रॉम द हेल, इट इज़ द कंप्रीहेंड एज निजात। सही है। व्हाट इज़ द अटोनमेंट फॉर ब्रेकिंग ऑफ रोज़ा, अटोनमेंट मतलब उसको कहते हैं कुफारे को। इन द हनफी स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक इस अटोनमेंट की मतलब क्या है, कुफारा क्या है इसका रोज़े का। इफ़ अ पर्सन मिस अ डे मिसेस ऑफ डे ऑफ फास्टिंग अननेसेसरीली, ही और शी शुड आइदर फास्ट ऑफ 60 कंसिक्यूटिव डेज और फीड 60 पुअर पीपल।
करें एतकाफ़, एतकाफ़ इज़ अ सुन्नत मौक्कदा। अ मुस्लिम हैज़ टू बिलीव इन फाइनलिटी ऑफ प्रॉफेटहुड। व्हाट इज़ अ इंग्लिश वर्ड फॉर नबी, इंग्लिश में नबी को क्या कहते हैं? एपोस्टलेट। क्या बात है, मलिक एंजल इज एन इन चार्ज ऑफ हेल। प्रेप्रोकेटरी नाउन है, इसका मतलब है इन कैथलिक डॉक्ट्राइन अ प्लेस और स्टेट ऑफ सफरिंग इनहेबिटेड बाय द सोल्स ऑफ सिनर हु आर एक्सपेक्टिंग देयर सिन बिफोर गोइंग टू हेवन। इसका यूज है ऑल हर सिन वर फॉरगिवन एंड शी वुड नॉट नीड टू गो टू प्रोगेट्री। इसके बाद ये इसका एडजेक्टिव है हैविंग द क्वालिटी ऑफ क्लिनसिंग और प्योरीफाइंग। उसके बाद है इबलीस मीन, ये अरबिक वर्ड है इबलीस, इसके मतलब है मे हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्बल रूट BLS विद द ब्रॉड मीनिंग ऑफ रिमेन इन ग्रीव। उसके अलावा फिर बिलासा ही डिप्राइव। फर्दर मोर द नेम इज रिलेटेड टू तलबीस मीन कन्फ्यूजन। फिर फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड ADOURD बेलाडोर गोज ऑन ट्रायल ऑन ट्यूजडे January 9, 2021 ऑन चार्ज डेट ही यूज किकबैक फ्रॉम आर्म्स डील इन द 1990s टू फंड अ प्रेसिडेंशियल बिड अ केस नॉन एज द कराची अफेयर्स। कराची अफेयर्स का जो केस है वो इनकी वजह से मशहूर है। उसके बाद इसके आया फाइनेंशियली रॉन्ग डूइंग इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी एंड हिस प्रीडिसेसर। उसके बाद है ली जे योंग वाइस चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक जेल ओवर करप्शन स्कैंडल। क्या सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक क्या है, द वर्ल्ड बिगेस्ट स्मार्टफोन एंड मेमोरी चिप मेकर हैं ये। फिर एम्बेजलमेंट मीन थेफ्ट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड प्लेस इन वंस ट्रस्ट और बिलीविंग और बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर। यूज है इसका चार्जेस ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। उसके बाद खालिद बिन हजरत खालिद बिन वलीद अवार्डेड द टाइटल ऑफ सेफ उल्ला इन सीरिया मोता, जगह मोता में इनको टाइटल मिला। किसने टाइटल दिया, ये हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको टाइटल दिया। और द मीनिंग ऑफ सेफुल्ला, सेफुल्ला की मीनिंग क्या है, द सॉर्ड ऑफ अल्लाह और द सॉर्ड डेट कुड नॉट बी ब्रोकन, ऐसी तलवार जो कभी टूट नहीं सकती। आज के लिए इतना, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।